नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। कुछ निर्णय होते हैं जो बड़े सख्त होते हैं और जिन्हें लेना हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है, लेकिन जब देश हित की बात हो और आपका अंतर्मन तो चाहता है कि आप भी देश हित में खड़े, लेकिन वर्षों से आप जिनके साथ खड़े हो और एक महत्वपूर्ण पद पर हो, अगर वो समर्थन में नहीं है तो आप कैसे रह सकते हैं। वाकई ये फैसला लेना आम बात नहीं होता, लेकिन भारतीय संसद में साल 2019 का अगस्त महीना इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षर लिखने को तैयार था, क्योंकि बरसों पुराने जख्म का इलाज कर रही थी मोदी सरकार, और वो जख्म था धारा 370 का। पूरा भारत देश संसद के दोनों सदनों में हो रही कार्रवाई पर नजर लगाए बैठा था। वो जानता था कि आने वाली पीढ़ी के गवाह हम बनेंगे और भविष्य में हमारे वो बच्चे जो किसी भी रूप में अगर धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में कहीं रोजगार या व्यवसाय कर रहे होंगे तो सबको बताएंगे कि हमारे दादा या नाना के समय की बात है जब धारा 370 को हटाया गया था। तो जब हर कोई गवाह बनना चाहता था इस पल का, तो ऐसे भी कई नेता थे जो दिल से तो चाहते थे किंतु विपक्ष में होने के कारण महज अपने मन को बार बार कसौट रहे थे। लेकिन गीतकार आनंद बख्शी ने एक गीत लिखा था सन 1971 में आई फिल्म दुश्मन में, जिसकी पंक्तियां थी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो शायद इनके मन की सच्चाई को भी विपक्ष के बनावटी उसूल छुपा नहीं सके। और दलगत राजनीति से हटकर जिन विपक्षी नेताओं ने खुलकर समर्थन किया, उनमें पहला नाम है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य एवं मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कालिता, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटने के सरकार के कदम पर कांग्रेस पार्टी के रुख का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जी हां, सोमवार को सदन की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरा बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के स्तंभ कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और अनुच्छेद 370 को हटाने का खुलकर समर्थन किया। हालांकि उन्होंने प्रक्रिया को संवैधानिक तो नहीं बताया, किंतु इस विषय पर उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर ने भी पार्टी और उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और भी ऐसे कई नाम हैं, जैसे संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, जिन्होंने धारा 370 के समर्थन में अपने इस्तीफे संसद के सदनों से दे दिए। इसके पीछे उनके पार्टियों के और भी दूसरे तर्क हो सकते हैं, किंतु कुछ भी हो, विपक्ष के इन नेताओं को इतिहास देश हित के लिए याद तो जरूर करेगा। खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने साथी निमिष भंसाली को इजाजत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।